जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों जैसा कि CRPF ट्रेडमैन 2023 का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और आज है 3 जुलाई। 3 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दोस्तों समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सैंडल पीक, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। बात करते हैं दोस्तों सैंडल पीक की। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और 732 मीटर पर यह बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है और यह सैंडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है और 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल दोस्तों मिनिकाय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से मिनिकाय को अलग करता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि होयसल किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए आंसर इसका था कर्नाटक। आपको बता दें जो होयसल साम्राज्य है भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न एक कनिंडगा शक्ति थी जिसने 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच अब कर्नाटक है भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान। आपको बता दें कब किया था, तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा में शामिल होने के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की और पख्तूनों के बीच लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अकाली आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था, तो राइट आंसर देखिए इस हो जाएगा जो अकाली आंदोलन है दोस्तों सिख सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं अकाली आंदोलन की, तो भारत में गुरुद्वारों में सुधार लाने के लिए एक अभियान था और इसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है और यह आंदोलन दोस्तों 1920 से 1925 के बीच सक्रिय था और आंदोलन की शुरुआत सिंह सभा की राजनीतिक शाखा यानी अकाली दल ने की थी और पंजाब अकाली आंदोलन का मुख्य केंद्र था और सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1922 में पारित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल कब तक था शासनकाल, तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक और वह मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद एक तुर्की गुलाम था और हिंदुस्तान का मालिक बन गया और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और उसे लाख बख्श यानी लाखों के दाता की भी उपाधि दी गई थी। उसकी मृत्यु दोस्तों 1210 ईस्वी में चौगान या हॉर्स पोलो खेलते समय हुई थी। उसने दिल्ली में कुवतुल इस्लाम और अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा नामक दो मस्जिदों का निर्माण करवाया। इसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किया था और उसने ताजुल मस्जिद के लेखक हसन उल निजामी और तारीख ए मुबारक शाही के लेखक फखरुद्दीन जैसे लेखकों को संरक्षण दिया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रसिद्ध सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो आंसर इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म। बता दें जो सांची स्तूप है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसे बौद्ध वास्तुकला में विकसित किया गया था और यह स्थानीय रूप से उत्कीर्ण बलुआ पत्थर से बना है। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और सांची स्तूप की ऊंचाई लगभग 54 फीट है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो राइट आंसर देखा जाएगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, जो भारतीय अमेरिकी हैं, इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2011 के जनगणना के अनुसार जिस राज्य में साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत है वह है, तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा बिहार। बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है कितना है, तो 73.7% और उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य याद रखिएगा केरल है, इसकी कितना है, तो 93.9% और मिजोरम याद रखिएगा मिजोरम का है 91.6%। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी, लॉर्ड मेयो याद करिएगा। 2011 की जनगणना संयुक्त आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे। लक्षद्वीप जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.10 मिलियन है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा।
बता दें कि जो भारतीय संविधान का भाग तीन है उसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और भारतीय संविधान के भाग तीन जिसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है उसमें मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो देखिए आँख का पर्यायवाची बहुत से हो जाए, नेत्र होता है, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छि, नज़र, अच्छ या चश्म, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, तो ये सभी आँख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का जो अंत है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है, और इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को पारित किया था, और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा बहुव्रीही समास। पीताम्बर का समास अगर हम विग्रह करेंगे दोस्तों तो इसका होता है पीत और अंबर, जिसका अर्थ होता है कृष्ण, और इसे सांकेतिक अर्थ यानी कृष्ण को इंगित किए जाने के कारण बहुव्रीही समास होता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 16 मार्च 1527 को, और कहाँ पर, तो आगरा से 35 किमी दूर खानवा गांव में। किसके बीच हुआ था, तो बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था। इसके अलावा दोस्तों देखिए रीजनिंग से मैं आपको बता दूं तो ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछे गए थे। दिशा और दूरी से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको बता दें कोडिंग डिकोडिंग, दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और एक त्रिभुज से क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा गया था। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन थे, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे दोस्तों, बहुत ही घबराने वाली बात नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। और ये 2021 बच्चों ने बताया कि 2021 के मैक्सिमम करेंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।